ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी हमारा मूंग दाल का चीला तैयार हुआ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कुछ इस तरह से। तो पहले हम स्टफिंग बना लेंगे। तो इसमें 2 चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाल देते हैं, छोटे चम्मच, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। और इसमें हम ज़रा सा जीरा डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब। और इसी के साथ में हम 1 हरी मिर्च डाल देंगे। और इसी में हम कटा हुआ प्याज 1 बड़ा डाल देते हैं और इसको भून लेते हैं। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस 1 मिनट करीब भूनेंगे इसको। अब हम इसी में टमाटर डाल देते हैं और इसको भी चला देते हैं अच्छे से। अब टमाटर डाल दिया है तो इसी के साथ में हम नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार, ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। और इसी के साथ में अब इसमें हम हल्दी डाल देते हैं और 1/2 चम्मच के करीब इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं और थोड़ी सी लाल मिर्च और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं और इस मसाले को इसी प्याज के साथ में भून लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए हमारा भुन गया है। अब ये पनीर हमने ले लिया है 100 ग्राम के करीब और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। अब इसमें डाल देते हैं इसको, पनीर को इसी में, और इसको मिला देते हैं अच्छे से। तो ये स्टफिंग हमारा तैयार हो गया है। अब चलिए गैस को बंद कर देते हैं। ये तैयार हो गया है बिल्कुल। ये हमने दाल लिया है 1 कप के करीब और 1 ही कप के करीब इसमें हमने चावल लिया है। दाल और चावल भिगो दिया था रात को। अब ये मूंग की दाल है हमारी। अब इसको हम पीस लेते हैं दोनों चीज़ों को मिला के। तो मूंग दाल का चीला है, चावल इसमें हमने इसलिए डाला है ताकि काफ़ी क्रिस्पी बने। तो चावल ज़रूर डालिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट रहेगा। और चावल कोई सा भी चलेगा। तो ये इसका बैटर तैयार हो गया है पीस के हमारा। पीस लिया हमने इसको मिक्सी में। अब इसमें हम थोड़ा सा 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल देते हैं और कुछ नहीं डालेंगे इसमें। ये बिल्कुल तैयार है। अब तवा रखेंगे, तवा पे हम 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल देते हैं और बैटर को इसी में डाल के इसको फैला देते हैं इस तरीके से। डोसे के तरीके से एकदम फैलाना है इस तरह से। तो ये आयरन का तवा है हमारा, काफ़ी क्रिस्पी बनता है इस पर। ये देखिए कितनी आसानी से छूट रहा है, देखिए कोई चिपक नहीं रहा है। और इसको पलट देते हैं, दोनों तरफ इसको सेक लेंगे। ऑयल नहीं डाला था, इसको पलट के ऑयल डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा इसमें लगा देंगे। तो ये बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाता है नाश्ता हमारा। अब इसको दोनों तरफ ये सेक लेते हैं अच्छे से। अब ये जो स्टफिंग हमने बनाई थी इसमें भर देते हैं इस तरीके से और इसका रोल बना लेंगे। थोड़ी सी स्टफिंग और भर देते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्दी नाश्ता है ये। बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं और सुबह के भाग दौड़ पे आप फटाफट आप इसको बना कर खा सकते हैं, काफ़ी हेल्दी होता है। तो ये देखिए कितनी जल्दी कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गया ये। अब इसको चलिए बीच से काट देते हैं ताकि खाने में काफ़ी आराम हो उठाने में। तो इससे बीच से अलग कर देते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी, कितनी जल्दी फटाफट हमारे कट कर तैयार हो गया ये। देखिए कितना बढ़िया, ये देखिए मूंग दाल का हमारा चीला तैयार हो गया। ये देखिए कितना बढ़िया भरकर इसमें स्टफिंग कितनी बढ़िया भरी है हमने। चटनी भी साथ में रख दिया है, दूसरा भी हम बना लेते हैं इसी तरह से। इसको भी पलट देते हैं अच्छे से। तो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बनकर तैयार होता है ये, काफ़ी अच्छा है। चलिए अब दूसरा भी बना लेते हैं, इसको सेक लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया। अगर आप पनीर के शौकीन नहीं हैं तो आप इसमें आलू की स्टफिंग भर सकते हैं। और ये देखिए ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए कितना बढ़िया है।